तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने निवास पर कई विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उन्होंने सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की समीक्षा बैठक की, तो वहीं सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए उन्होंने कई विशेष निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान मुख्य रूप से सहकारी बैंकों में रिक्त पदों पर भर्ती एवं नई समितियों में भर्ती को लेकर चर्चा की गई है। इस बैठक में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, सहकारिता मंत्री डॉ प्रेम साय सिंह टेकाम, विधायक सत्यनारायण शर्मा, अध्यक्ष अपेक्स बैंक बैजनाथ चंद्राकर, मुख्य सचिव अमिताभ जैन समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता अमित चौरसिया का, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आज जो ये बैठक हुई है सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में, क्या खास इस बैठक में देखने को मिला? और सहकारिता विभाग की भी उन्होंने बैठक ली और अधिकारियों को भी उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए हैं, क्या कुछ खास इस बैठक में देखने को मिला? बिल्कुल अपूर्वा, अगर बात करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सीधे तौर पर, चूंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी राज्य है और ऐसे में यहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का एक बाहुल्य है, तो कहीं ना कहीं अब अनुसूचित जाति और जनजाति को साधने के प्रयास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से नजर आ रहे हैं। आज यहां पर एक तरह से समीक्षा बैठक की गई है और लगातार 4 से 5 घंटे तक चली इस बैठक में। न केवल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक चूंकि आयोजित की गई थी, इसमें कृषि मंत्री रवीन चौबे, साथ ही वन मंत्री मोहम्मद अकबर और साथ ही जो आदिम जाति विभाग के मंत्री हैंगे प्रेम साय सिंह टेकाम, वह शामिल हुए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है इसमें कई अधिकारी भी उपस्थित रहे इस दौरान, न केवल जो मुख्य सचिव हैं अमिताभ जैन, वह भी उपस्थित रहे। अगर एक तरह से बात की जाए तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं उसकी समीक्षा बैठक की गई है। 2019 और 2020 और 2021 के 3 वर्षों के जो राहत राशि है उसकी समीक्षा की गई है। तो एक तरह से कहा जाए कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो जनहितकारी योजनाएं चलाई जा रही है उसका लाभ कितना मिल पा रहा उस पर चर्चा की गई है। तो एक तरह से कहा जाए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीं ना कहीं मिशन 2023 की तैयारियों में अभी से जुटे नजर आ रहे हैं और लगातार उनकी यह कोशिश जारी है। और जिस तरीके से आज सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की भी बैठक हुई है, उस बैठक में भी उन्होंने कई तरह के निर्देश जो विभागीय अधिकारी हैं उनको दिए हैं। जी अपूर्वा, बिल्कुल अमित, और ऐसे में कई विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे जिनकी उन्होंने मॉनिटरिंग भी की है। तो क्या यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कई अन्य घोषणाएं भी की गई हो, कोई और जो योजना हो वो बनाई गई हो? नहीं, अभी जैसा कि आज जो समीक्षा बैठक थी, चूंकि जितनी भी पूर्व जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है इस वर्ग के लिए, तो कहीं ना कहीं उन योजनाओं का ही समीक्षा आज, चूंकि यह समीक्षा बैठक थी पूरी तरह से, तो समीक्षा बैठक में किसी तरह की घोषणाएं नहीं, जरूर यह किया गया है कि इसका लाभ कितना मिल पा रहा है, जो जनहितकारी योजनाएं बनाई गई है विभाग द्वारा उसका लाभ इस वर्ग को कितना मिल पा रहा है, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो वर्ग है वो कितना उससे लाभान्वित हो रहा है उस पर पूरी तरह से चर्चा हुई है। और यहाँ पर जितने भी जो ट्राइबल विभाग के जो प्रमुख सचिव थे वह इसमें उपस्थित थे, उन्होंने इस बैठक में पूरी तरह से अपनी बात को रखी है कि प्रदेश में हर जिले में किस तरीके से इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जी बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी खबरों में आपसे जुड़ेंगे। तो चलिए बढ़ते